दिस इज 92.7 बिग एफएम और आप सुन रहे हैं हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के इस प्रोग्राम को जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। कहानियों की झलक। 30 और 40 के दशक की मशहूर मारूफ गायिका राजकुमारी के ऐसे दिन भी आए कि वो लोगों से नजरें बचाकर अपना पेट भरने के लिए कोरस में गाने लगी। ऐसे बुरे वक्त में किसने दिया उनका साथ, ये होगी आज की पहली कहानी। दूसरे नंबर पर जीनत अमान से जुड़ी घटना बताऊंगा। उन्हें अभिनेता राजकुमार ने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। उसके बाद हमारे रेगुलर फीचर्स, तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया, जहां आज याद करेंगे महान संगीतकार दादा अनिल विश्वास को। और अंत में होगा श्रोता का प्रश्न। आज मुझसे पूछा गया है कि क्या शायर आजम कैफी आजमी ने किसी फिल्म में अभिनय भी किया है, ये बताऊंगा अपने आखिरी सेगमेंट में। फिलहाल करते हैं इस सफर की शुरुआत हिंदी सिनेमा में। 30 और 40 के दशक में गायिका राजकुमारी का नाम उरूज पे था, लेकिन इसके बाद लता, आशा, गीता वगैरह की आमद के साथ राजकुमारी जी धीरे धीरे पिछड़ती गईं। काम मिलना बंद हो गया, माली हालत खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि घर का खर्चा चलाने के लिए एक जमाने की मशहूर गायिका, एक स्टार सिंगर को कोरस में लोगों से नजरें चुराकर गीत गाने पड़े। 1972 में जब संगीतकार गुलाम मोहम्मद की मौत के बाद नौशाद पाकीज़ा के गीतों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तब एक दिन उनकी नज़र कोरस में खड़ी राजकुमारी पर पड़ी। वो चौंक गए, क्योंकि संगीतकार बनने से पहले वो जिस गायिका को सुना करते थे, वो गायिका और कोई नहीं, राजकुमारी थी। और वो राजकुमारी आज दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए कोरस में गा रही थी। नौशाद की आंखें छलछला उठी। उन्होंने राजकुमारी को बुलाया और पूरे मान सम्मान के साथ पाकीज़ा में एक सोलो गीत दिया गाने को। ये गीत था नजरिया की मारी। हालांकि इस गीत से राजकुमारी को बहुत फायदा तो नहीं हुआ, मगर फिर भी नौशाद साहब की इस कोशिश और जेस्चर से राजकुमारी की आर्थिक तंगी में थोड़ा सहारा तो मिल ही गया। 1972 आने तक जीनत अमान की 3 फिल्में रिलीज हो चुकी थी। हरे रामा हरे कृष्णा के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका था। जीनत अमान की पॉपुलैरिटी रातों रात शोहरत की बुलंदियां छू रही थी। बड़े बड़े फिल्म निर्माता जीनत को साइन करने के लिए उतावले थे। कुल मिलाकर जीनत एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी, स्टार हो गई थी जीनत अमान। एक दिन एक पार्टी में जीनत की मुलाकात हुई जानी राजकुमार से। जीनत को लगा कि राजकुमार भी उनकी पॉपुलैरिटी और काम से वाकिफ होंगे और हो सकता है उनसे मिलकर तारीफ करें, मगर हुआ इसका उल्टा। जैसे ही जीनत अमान राजकुमार से मिली, राजकुमार ने उन्हें नीचे से ऊपर तक बड़े गौर से देखा और फिर उनसे वो कहा जिसकी जीनत अमान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राजकुमार बोले, तुम बहुत खूबसूरत हो जानी, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? आप सोच सकते हैं कि राजकुमार के मुंह से बात सुनकर एक जानी मानी स्टार हीरोइन जीनत अमान के दिल पर क्या गुजरी हो। हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? जी सलाउद्दीन अब्बासी बोल रहा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं सलाउद्दीन साहब? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे? आपसे 4 महीने हो गए बात करते आपसे। आज फोन लगी गया आपका, बहुत माफी चाहता हूँ कि 4 महीने से आप तकलीफ उठा रहे हैं और आज पहली बार बातचीत का मौका मिल पाया। और सब खैरियत है? सब ठीक है? घर में सब ठीक है? जी सब बढ़िया है जी। घर में तमन्ना थी आपसे बात करने की। जी, घर में कौन कौन है सलाउद्दीन साहब? जी मेरे 7 बच्चे हैं। जी जी, बड़े लड़के हैं मेरे सलमान। जी असल में फिल्मों के शौक है मेरे को सारा। मैं बचपन में फिल्म देखता हुआ आता हूँ, मेरे को
दारा सिंह की फिल्मों का बड़ा शौक था मेरे को। अच्छा, दारा साहब तो जी, कुश्ती लड़ते थे हमारे बचपन में, जब से बड़ा शौक इनकी फिल्म देखने का। लेकिन आपकी आवाज से बिल्कुल नहीं लगता, आपकी आवाज सुन के तो बिल्कुल ऐसा लगता तरोताजा हैं आप, 25 साल के लग रहे हैं आपकी आवाज सुन के, मैं ये कह सकता हूँ अंदाजा। 48 साल की उम्र है। वाह 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 वाह। सो दारा सिंह साहब बहुत अच्छे लगते हैं आपको? जी जी, मैंने मतलब फिल्म में हर फिल्म मेरी देखी होती, पुरानी फिल्म में तकरीबन हर फिल्म देखी होती है। जी जी, तो दारा सिंह साहब के बारे में ही कुछ बताऊं तो मुझे लगता है आपके दिल को अच्छा लगेगा। जी जी जी। जहां तक दारा सिंह साहब की बात है, 19 नवंबर मेरे ख्याल से 1928 या 29 को उनकी पैदाइश हुई थी। अमृतसर के पास एक गांव है धर्मूचक या धानूचक, वहां पर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि दारा सिंह साहब का बर्थडे और हमारी जो प्रधानमंत्री थी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका बर्थडे सेम ही दिन आता है 19 नवंबर को। दारा साहब मेरे हिसाब से 19 नवंबर 1928 को पैदा होता है। बहुत कम उम्र में ही 6'2" या 3" की हाइट थी और 100 आप समझ लीजिए कि 50-53" चौड़ा सीना था। तो बचपन से ही सबने कहा कि पहलवानी शुरू हो जाओ, और उसके बाद मेले और दंगलों में उन्होंने कुश्तियाँ लड़ना शुरू कर दिया और रुस्तम जमा और रुस्तम हिंद के खिताब जीते उन्होंने और अखाड़े में लंगोट फिराई। जी जी, और बहुत नाम हुआ। और 24-25-26 साल की उम्र में 1948 से उन्होंने एक्चुअली कुश्तियाँ लड़ने शुरू कर दी थी। और फिल्मों में उनका आना हुआ किंग कॉन्ग फिल्म से, 1952 या 1953 की फिल्म होगी किंग कॉन्ग, और वहीं से वो शुरू हो गए। अपने ज़माने के बी ग्रेड के सबसे महंगे और टॉप मोस्ट स्टार कहलाते थे। और इनकी हीरोइन बनी थी मुमताज, जिनके साथ इनके इन्होंने 16 फिल्में की। बाद में टेलीविज़न के ऊपर भी बहुत नाम कमाया, हनुमान का रोल इन्होंने किया और वीर भीमसेन का रोल भी इन्होंने किया, घटोत्कच का रोल किया इन्होंने। और फिल्म इंडस्ट्री में सलाउद्दीन साहब बहुत ही नेक और आला दर्जे के इंसान माने जाते थे, बहुत ही नेक रहम दिल। मतलब दारा सिंह के बारे में कहते थे कि ऐसा लगता है कि खुदा का कोई फरिश्ता ज़मीन के ऊपर आ गया हो। इतने उन्होंने कभी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझा, सबसे इतना झुक के बात करते थे, बिल्कुल नौकर हो कोई भी आदमी, गरीब से गरीब आदमी को हाथ जोड़ के बात करते थे। और शायद 12 जुलाई 2012 को जन्नत नशीन हो गए वो। इतना दारा साहब के बारे में कह सकता हूँ, बहुत बेहतरीन बेहतरीन एक आला दर्जे की रूह ने इस ज़मीन पे जन्म लिया था। और बस दुआओं में उन्हें याद रखिएगा कि अल्लाह उनकी रूह को सुकून बख्शे। जी आमीन। और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके सलाउद्दीन साहब, मुझे उम्मीद है खुशी हुई बात करके। और घर पे सभी बच्चों को और हमारी भाभी जान को सलाम कहिएगा। जी जी। अच्छा, सलाम अलैकुम। पेश खिदमत है दिल ने फिर याद किया सेगमेंट, जहां आज हम याद करेंगे महान संगीतकार, हिंदी फिल्म संगीत के दृढ़ स्तंभ दादा अनिल बिस्वास को। 7 जुलाई 1914 को पूर्वी बंगाल के बारिसाल में जन्मे अनिल बिस्वास का रुझान बचपन से गीत संगीत की ओर था। सिर्फ 14 साल की उम्र से ही उन्होंने संगीत समारोह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, जहां वो तबला वादन किया करते थे। 1930 में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था, तो देश को स्वतंत्र कराने की इस मुहिम में अनिल विश्वास भी कूद पड़े और कविताओं के माध्यम से अनिल विश्वास देशवासियों में जागरण पैदा करने की चेष्टा में लग गए। इसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1930 में अनिल विश्वास कलकत्ता के रंगमहल थिएटर से जुड़ गए, जहां वो बतौर अभिनेता, पार्श्व गायक और सहायक संगीत निर्देशक के रूप में भी काम करने लगे। उसके बाद कुछ सालों तक अनिल विश्वास थिएटर, रंगमहल थिएटर और हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी से भी जुड़े रहे। 1935 में वो अपने सपनों को नया रूप देने के लिए कलकत्ता से चले आए बंबई। 1935 की फिल्म धर्म की देवी उनके संगीत निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था। 2 साल तक फिल्मों में संगीत देने के बाद 1937 की फिल्म जागीरदार से उन्हें सफलता हासिल हुई और फिर ये सिलसिला 30 सालों तक चलता रहा। 60 के दशक में अनिल दादा ने फिल्म इंडस्ट्री से लगभग किनारा कर लिया और दिल्ली सेटल हो गए जाकर।
इस बीच उन्होंने सौतेला भाई और छोटी छोटी बातें जैसी फिल्मों को संगीतबद्ध किया। छोटी छोटी बातें हालांकि कामयाब नहीं रही, लेकिन इसके संगीत को न सिर्फ खूब सराहा गया बल्कि इसके लिए दादा अनिल विश्वास को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1963 में अनिल विश्वास प्रसार भारती दिल्ली में बतौर निर्देशक काम करने लगे और 1975 तक इस पद पर कार्यरत रहे। 1986 में संगीत के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने गीतों से 3 दशक तक श्रोताओं का दिल जीतने वाला ये महान रंगकर्मी, गायक, अभिनेता, संगीतकार 31 मई 2003 को चला गया, लेकिन छोड़ गया एक अमिट यादें। आज दिल ने फिर याद किया, मैं श्रद्धांजलि अर्पित की हमने दादा अनिल विश्वास को। बात मदर इंडिया की और उसके क्लाइमेक्स सीन की। सन 1940 में मदर इंडिया के डायरेक्टर महबूब खान ने नेशनल स्टूडियोज के लिए एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था औरत। 17 सालों बाद सन 1957 में महबूब खान ने फिल्म औरत का ही रीमेक बनाया और नाम रखा इस फिल्म का मदर इंडिया। दोनों फिल्म की कहानी एक सी, किरदार एक से, प्लॉट एक सा। फिल्म औरत में भी राधा थी जिसकी भूमिका निभाई थी सरदार अख्तर ने, और फिल्म औरत में भी एक बिगड़ा बेटा था बिरजू जिसका रोल किया था याकूब साहब ने, और मदर इंडिया में ये दोनों किरदार निभाए थे नरगिस जी और सुनील दत्त साहब ने। फिल्म औरत के क्लाइमेक्स में भी मां अपने बिगड़े बेटे को गोली मारती है और फिल्म मदर इंडिया में भी मदर इंडिया नरगिस अपने बेटे को गोली मार देती है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब महबूब खान औरत फिल्म बना रहे थे तब इस क्लाइमेक्स सीन को लेकर वो बहुत परेशान थे। ये क्लाइमेक्स इस फिल्म से जुड़े किसी आदमी के गले नहीं उतर रहा था, मगर महबूब खान साहब इस क्लाइमेक्स से पूरी तरह कन्विंस थे। महबूब खान को लगता था कि इससे बेहतर क्लाइमेक्स कुछ और नहीं हो सकता, लेकिन टीम मेंबर्स का कहना था कि बच्चा चाहे कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, मां मां होती है। वो भले ही बच्चे को कड़ी से कड़ी सजा क्यों ना दे दे, उसकी जान कभी नहीं ले सकती। महबूब खान समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। उनके तमाम साथियों का भी यही मानना था कि दर्शक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और इस क्लाइमेक्स के साथ कि द मदर किल्स द सन, इस फिल्म का फ्लॉप होना पक्का है। हफ्तों इसी जद्दोजहद में गुजर गए। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो महबूब नेशनल स्टूडियोज के मालिक सेठ चिमनलाल देसाई की पत्नी नंद गौरी के पास पहुंचे। नंद गौरी जी एक सीधी सादी गृहिणी थी जिनका फिल्मों से कोई सीधा साधा रिश्ता नहीं था, डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं था। वह अपनी गृहस्थी में ही पूरी तरह रमी थी और पति के कारोबार में बिल्कुल दखल नहीं देती थी। हालांकि स्टूडियो से जुड़े लोगों का वो पूरा ख्याल रखती और इस वजह से स्टूडियो के सभी लोग उन्हें प्यार, इज्जत और आदर से कुकुबा कहकर बुलाया करते थे। महबूब ने नंद गौरी यानी कुकुबा को फिल्म औरत की कहानी सुनाई, लेकिन क्लाइमेक्स को वो छुपा गए। उल्टा उन्होंने नंद गौरी से सवाल किया कि अगर आप राधा की जगह होती तो क्या करती। नंद गौरी ने तुरंत जवाब दिया, मैं ऐसी बिगड़ी हुई औलाद को गोली मार देती। एक मां के इस जवाब ने महबूब खान की उलझन को एक झटके में दूर कर दिया, संशय समाप्त हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि अगर ये सीधी सादी भारतीय महिला, भारत की नारी यही सोचती है तो उन्हें क्लाइमेक्स भी ऐसे ही पिक्चराइज करना होगा। तो इस तरह से उन्होंने न सिर्फ औरत फिल्म को उस क्लाइमेक्स के साथ रिलीज किया, बल्कि बाद में जब इस फिल्म की रीमेक मदर इंडिया बनाई तो उसमें भी वही क्लाइमेक्स यूज किया जिस क्लाइमेक्स का सजेशन दिया था कुकुबा यानी कि नंद गौरी जी ने। एक मां अपने बेटे को गोली मार देती है। उस मां को सलाम जिसने अपने जिगर पर पत्थर रखकर अपने उस अंश को जिसको अपने 9 महीने जिसने अपने गर्भ में पाला हो न्याय की बलिवेदी पर न्योछावर कर दिया, सच्चाई और मानवता की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। प्रणाम है ऐसी मां को, प्रणाम है भारत की नारी को। आज का सवाल पूछा है इलाहाबाद के अभिषेक शर्मा ने।
सवाल है कि क्या शायर कैफी आजमी ने किसी फिल्म में अभिनय भी किया है? जवाब यह है, किया है जी। जनाब कैफी साहब ने एक हिंदी फिल्म में अभिनय भी किया है। उस फिल्म का नाम है नसीम, जो 1995 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए फिल्म के निर्देशक सईद अख्तर मिर्जा को नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुआ। इस फिल्म में कैफी साहब ने अभिनेत्री मयूरी कांगो के दादा का किरदार निभाया था और उनका रोल पसंद भी बहुत किया गया। मेरे मेहरबान दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस सफ़र को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि प्रार्थना करता हूं, उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सेफली अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच गए होंगे। आपकी मंजिल आपके जीवन में अच्छे परिणाम लेकर आए, इसी मंगल कामना के साथ मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।